हेलो, दिस इज़ बिनराना और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट्स है सर्च विजिबिलिटी। गूगल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो सफ़र नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा होता है यूजर एक्सपीरियंस। यदि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो आपके यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ब्रांड आइडेंटिटी। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो आपको मोबाइल ऐप की नीड नहीं होगी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है मोबाइल कन्वर्जन रेट। ज़्यादातर परचेज मोबाइल से होती हैं। ठीक है, यदि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो नंबर ऑफ़ लीड्स आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो गूगल ने एक टूल डेवलप किया मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ठीक, इस टूल की हेल्प से हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लाइक जैसे मेरी वेबसाइट ये है binarana.com। ठीक है, तो मैं इसका चेक करना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये कॉपी करना है और यहाँ पर आपको URL पुट कर देना है। ठीक है, और टेस्ट URL बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये विद इन सेकेंड में ये बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, विद इन सेकेंड में इस टूल ने बता दिया कि मेरा पेज मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, इन केस ये पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता तो उस केस में हमें ये इशू फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी इशू है ये आप डेवलपर को बता दो। ठीक है, डेवलपर इसको फिक्स कर देगा और दोबारा से आप इसका टेस्ट करके देख लो कि पेज मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा पेज मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।